الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منتظمین حضرات سے بالخصوص اساتذہ سے درخواست ہے کہ یہ چھوٹے بچے یہ خاموش رہیں اور جلسے کا نظم یہ ہوتا ہے کہ بچے پیچھے ہوں اور بڑے آگے بیٹھے ہوں جہاں بھی بچے درمیان میں یا آگے بیٹھے ہیں وہ پیچھے چلے جائیں تمام بچے اپنی اپنی جگہ سے اٹھیں پیچھے چلے جائیں اور وہاں اساتذہ ان کی نگرانی کریں بڑے لوگ آگے آ جائیں ماشاءاللہ پیارے بچوں جیسے نماز میں بچے پیچھے جلسے میں بھی پیچھے بڑے حضرات آگے ہو جائیں بچے پیچھے چلے جائیں اور اساتذہ میں سے کوئی نہ کوئی استاد ان بچوں کی نگرانی کریں یہ خاموش رہیں دین کا جلسہ دین کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے یہ کوئی رسم نہیں ہے کوئی میلہ نہیں ہے یہ کوئی روایتی جلسہ نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ دین کو سمجھنا اور سمجھ کر عمل کرنے کا ارادہ ہونا اس مقصد کے لیے ہوتا ہے قابل صد احترام حضرات علماء کرام بزرگان محترم برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ظہیر آباد شہید گڑھا موڑ ضلع وہاڑی کی ایک قدیمی پرانی دینی درسگاہ مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن کے سالانہ جلسے میں آج بتاریخ 21 مئی سن 2023 بروز اتوار بعد نماز ظہر ہم سب کی شرکت باعث سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں میں شکر گزار ہوں اس ادارے کے محتمم اور سربراہ محترم مکرم حضرت حافظ محمد حسن صاحب دامت برکاتہم کا جو ایک عرصے سے برطانیہ میں مقیم ہے لیڈز شہر میں رہتے ہیں
अगरचे उनका वजूद और जिस्म तो पाकिस्तान में नहीं बरतानिया में है, मगर उनका दिल हर वक्त इस मदरसे में अटका हुआ और लटका हुआ है। जब भी मेरा वहाँ जाना होता है या उनसे टेलीफोन पर बात होती है तो हमेशा वो अपने इस मदरसे का जिक्र करते हैं, मशवरा करते हैं और हर वक्त उनको इस बात की फिक्र रहती है कि मैं अपने इलाके के लोगों की खिदमत करूं। और वहाँ बैठकर इस इदारे के लिए मेहनत करते हैं। रमज़ान मुबारक में इस प्रोग्राम का मुझसे उन्होंने वादा लिया और उस वक्त से अब तक मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन उनका पैगाम मिलता है कि आपने जलसे में ज़रूर जाना है। मैं उनके पुरखलोस इसरार पर, मोहब्बत पर यहाँ हाजिर हुआ हूँ। मैं रात कराची में था, सुबह कराची से लाहौर पहुँचा और लाहौर से यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दुआ है कि अल्लाह तबारक वाला इस इज्तिमा को मुबारक फरमाए, कबूल फरमाए। यह इज्तिमा, जैसे मैंने अर्ज किया कि कोई रिवायती प्रोग्राम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के दीन को सुनने और समझकर अमल करने के लिए है। आज जो सूरत हाल है वो आपके सामने, मैं कोई तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरे बाद मोहतरम मुकर्रम हजरत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहेब ज़ादहुल्लाहु इल्मन व अमलन व शरफन आपको इंशाल्लाह मंजूम कलाम सुनाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, अल्लाह ताला की मनकबत मुनाजात सुनाएंगे और उसके बाद उलमा के अभी खिताबात होंगे, जलसा जारी रहेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा, आलम इस्लाम एक अरसे से मसाइल, मसाइब, आजमाइश, इम्तिहानात और इब्तला के दौर से गुजर रहा है और वतने अजीज पाकिस्तान भी एक अरसे से संगीन सूरत हाल से दोचार है। सियासी लड़ाइयां अपने उरूज पर हैं, इंतहा पसंदी और सियासी शिद्दत पसंदी इतनी आगे बढ़ गई है कि आज वो लोग जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी हमारा दिफा करना है, हमारा तहफ्फुज करना है, मुल्क की हिफाजत करनी है, मुल्क का दिफा मजबूत करना है, मुराद मेरी अफवाज पाकिस्तान है, उनके अपने दफ्तर भी, उनके अपने घर भी गैर महफूज हो गए। जिन्होंने मुझे और आपको तहफ्फुज देना है, उनके अपने मराकज भी और घर भी महफूज नहीं रहे। लाहौर का कोर कमांडर हाउस जला दिया गया, GHQ पर हमले हुए, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई, मुसलमानों की दुकानें नजर आतिश कर दी गई। और आप सब जानते हैं कि एक अरसे से महंगाई दिन ब दिन कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है। गरीब नहीं, अब मालदार आदमी के लिए भी जिंदगी मुश्किल हो रही है। इन हालात में मदारिस को चलाना, मदारिस के अंदर आने वाले तलबा की खिदमत करना, यह भी आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया है। आप खुद जानते हैं कि आज आटा, घी, दालें, गोश्त, पेट्रोल,
उसकी क्या कीमतें हैं और हमारे पैसे की क्या हैसियत है। इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर हम सब लोग मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं। जान महफूज नहीं, माल महफूज नहीं, इज्जत महफूज नहीं। इन हालात में कुरान करीम हमारी क्या रहनुमाई करता है। कुरान करीम जो आपने सुना, जिसके फजाइल सुने, ये कुरान करीम सिर्फ बरकत की किताब नहीं है, बल्कि ये कुरान करीम अल्लाह की तरफ से हमारी जिंदगी का दस्तूर और कानून है, हमारी जिंदगी का जाब्ता है। कुरान करीम जाब्ता हयात है, जाब्ता हयात नहीं बल्कि जाब्ता कायनात है। जिन्होंने कुरान करीम को समझा और उस पर अमल किया, उन्होंने दुनिया में न सिर्फ ये कि हुकूमत की, बल्कि दुनिया में अपनी फतह और कामयाबी के झंडे गाड़े। आज मुसलमान गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। हमारे फैसले इस्लामाबाद में नहीं होते, बाहर होते। हम नाम के आजाद हैं, ये आजादी भी अल्लाह की नेमत है जितनी भी है, मगर हम हकीकतन आजाद नहीं हैं, हम गैरों के गुलाम हैं। हमारी बिजली का यूनिट कितने का होगा, ये फैसला पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर होकर हमें सिर्फ बताया सुनाया जाता है। हमारे गैस के रेट क्या होंगे, हमारे पेट्रोल किस कीमत पर बिकेगा, ये फैसले यहां नहीं होते, बाहर होते। अब इसके असबाब बहुत से जाहिरी हैं, जिसमें ये सियासी लड़ाइयां भी हैं, सियासी इंतिशार भी है, उसकी वजह से माशी इक्तिसादियत में इस्तेहकाम भी है। मगर मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपने अल्लाह से अपना रिश्ता कमजोर कर दिया, हमने अल्लाह से अपना ताल्लुक कमजोर कर दिया, हमने अल्लाह से दोस्ती नहीं लगाई, जिसकी वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुरान करीम के जो आयत मुकद्दसा मैंने तिलावत की, इसमें अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि अगर तुम ये चाहते हो कि इन मुश्किलात से निकलो, इन परेशानियों से निकलो, इन मसाइब से और हालात से निकलो, इन इम्तिहानों आजमाइशों से निकलो, तो उसका तरीका, और ये चाहते हो कि हमारा रिस्क ज्यादा हो जाए, हमारे माशी हालात बेहतर हो जाएं, और हमें खाने और पीने का सामान और जरूरतें मुहैया होती रहें और हमारे हालात अच्छे हो जाएं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि तुम ये काम कर लो, तुम्हें मुश्किलात से भी मैं निकाल दूंगा और रिस्क भी वहां से दूंगा जहां तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। बस इस आयत को समझ लें और फिर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ। اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکال دے گا، پریشانیوں سے اللہ نکال دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت مشکلات سے نہیں نکال سکتی، मुश्किलात से वो ही निकाल सकता है जिस पर कोई मुश्किल ना आए। जिस पर खुद मुश्किलें आए वो क्या मुश्किल हमारी हल करेगा। जो खुद जरूरतमंद हो, जो खुद आगे हाथ फैलाता हो, वो हमारा क्या हाजत रवा बनेगा।
हमारा मुश्किल कुशा वो होगा जिस पर खुद मुश्किल ना आए, हमारा हाजत रवा वो होगा जिसकी अपनी जरूरतें और हाजतें ना हो, और वो एक ही दात अल्लाह की है। अल्लाह फरमाते हैं मुझसे तुम डरने लग जाओ, मुश्किलात से मैं तुम्हें निकाल दूंगा। और दूसरा फरमाया वयरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से तुम्हें रिस्क दूंगा कि तुम्हारा गुमान और ख्याल भी नहीं होगा। अब तकवा किसको कहते हैं, मैं लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, मुख्तसर बताता हूं। अल्लाह का डर क्या है? अल्लाह का डर यह है कि अल्लाह से डर कर गुनाह ना करो, गुनाह छोड़ दो। गुनाह तुम छोड़ दो, गुनाह से तुम निकलो, मुश्किलात से अल्लाह निकाल दे। गुनाह भी हो और मुश्किलात से भी निकले, कामयाबी भी हो, नहीं हो सकता। अल्लाह के डर का तकाजा यह है कि वो काम ना करो जिससे अल्लाह नाराज होता है। अब मैं आपको इसकी ये बात एक मिसाल से समझाता हूं। हजरत यूसुफ अली सलाम को जुलेखा अपने महल के बंद कमरों में ले गई, एक कमरे से आगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कई कमरे ताले लगा दिए, और आखिरी कमरे में जाकर कहा, गुनाह की दावत दी कि मेरे साथ गुनाह करो। हजरत यूसुफ अली सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, और अकीदे के तौर पर याद रखो नबी मासूम होता है, नबी अल्लाह की हिफाजत में होता है, पैगंबर से गुनाह नहीं हो सकता, नबी से गुनाह नहीं हो सकता। और मासूम का माना आम फहम अंदाज में यह है कि मुझे और आपको अल्लाह का हुक्म है गुनाह के करीब ना जाना, और गुनाह को अल्लाह का हुक्म है खबरदार मेरे नबी के करीब ना जाना। मुझे और आपको अल्लाह का हुक्म है गुनाह के करीब ना जाना। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब मत जाओ ईमान वालों, ला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ, इस गुनाह के करीब भी ना जाना, ये मुझे और आपको हुक्म है, और गुनाह को अल्लाह का हुक्म है खबरदार मेरे नबी के करीब ना जाना। इसी वाक्य से मैं ये बात साबित करता हूं, यूसुफ अली सलाम को जुलेखा ने आखिरी कमरे में ले जाकर गुनाह की दावत दी। यूसुफ अली सलाम ने अल्लाह की तरफ तवज्जो की, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे इस आजमाइश से निकालिए। आप जरा तसव्वुरात की दुनिया में सोचिए, वो नबी और पैगंबर जिसको अल्लाह ने कायनात में बहुत हुसन अता किया, आधा हुसन सारी दुनिया में तकसीम किया और आधा हुसन यूसुफ अली सलाम को दिया, वो यूसुफ अली सलाम जिसको भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, अपनी तरफ से मार डाला, अल्लाह ने कुएं से निकाला, और कुएं से निकालने के बाद मिस्र में पहुंचाया, और मिस्र में लाकर अल्लाह ने उसको शाही महल में ठहराया। कहां कुएं में था, कहां अल्लाह ने शाही महल में पहुंचा दिया, कहां जेल में थे, कहां अल्लाह ने तख्ते मिस्र पर पहुंचा दिया। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसको जिन पर अल्लाह ने इतने इनामात किए, जिनके दिल में अल्लाह का इतना डर है कि जब गुनाह की दावत दी जा रही है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह दिल में डालते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आप दौड़े और भागे और भागकर जाकर बंद तालों को हाथ लगाएं। बंद तालों को हाथ लगाना आपका काम है, बगैर चाबी के खोलना हमारा काम है। तुम दौड़ो, जाओ, जाकर हाथ लगाओ, हम उन तालों को खोल देंगे। यह अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में डाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, जाकर हर दरवाजे के ताले को हाथ लगाया, जब हाथ लगाया चाबी नहीं है, वो बगैर चाबी के हाथ लगाते खुलता जा रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर निकल आए, अल्लाह ने इम्तिहान से निकाल दिया, और अल्लाह ने कुरान में इसको जब बयान किया तो क्या अल्फाज फरमाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कज़ालिका लिनसरिफ अन्हु सुअ वल फहशा।
हमने इस तरह पर यूसुफ अलैहिस्सलाम से गुनाह को बेहयाई को फेर दिया, हमने उसका मुंह मोड़ दिया। जरा गौर करें कुरान करीम के अल्फाज पर, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह की तरफ जाने लगे थे, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा फेर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम का रुख मोड़ दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम को हटा दिया, गुनाह की तरफ नहीं जाने दिया। ये अल्फाज अल्लाह ने नहीं फरमाए, बल्कि ये फरमाया कि गुनाह आने लगा था, बेहयाई आने लगी थी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ बुराई और बदी आने लगी थी, हमने गुनाह का मुंह मोड़ दिया, गुनाह का रुख मोड़ दिया और गुनाह को अपने नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब नहीं आने दिया। मालूम हुआ कि गुनाह को अल्लाह अपने नबी के करीब नहीं आने देता। कज़ालिका लिनसरिफ़ानहुस्सू अवल फ़हशा। अब यह है कि उन्होंने तकवा दिखाया, अल्लाह का डर दिखाया कि अल्लाह मैं तुझसे डरता हूं, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मुझे मेरी मदद फरमाइए। जब यूसुफ अली सलाम ने बंद कमरे में जहां कोई देखने वाला नहीं है, हजरत यूसुफ अली सलाम और जुलेखा हैं, मगर अल्लाह तो देख रहा है, यूसुफ अली सलाम ने अल्लाह के डर का मुजाहरा किया, तकवा का मुजाहरा किया, वमन यत्तकिल्लाह का मुजाहरा किया, इस पर अमल किया, मेरे अल्लाह ने यजअल लहू मखरजा का मुजाहरा फरमा दिया। इन्होंने तकवा और अल्लाह का डर पेश किया कि अल्लाह मैं तुझसे डरता हूं, अल्लाह ने उस इम्तिहान से निकाल दिया, उस आजमाइश से अल्लाह ताला ने उनको निकाल दिया, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी हिफाजत फरमा ली। मालूम हुआ कि जो भी अल्लाह से डरेगा और डर कर गुनाह नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसको मुश्किलात से निकालेंगे, अल्लाह उसको परेशानियों से निकाल देंगे, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे। जो अल्लाह का से डरता नहीं है, गुनाह में मुबतला है, वो कभी मत सोचे कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह हिफाजत उसकी करता है जो अल्लाह का बनकर दिखाता है। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا। जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसको मुश्किलात से निकाल देता है। हमारे दिल में अल्लाह का डर कहाँ है? हम नमाज नहीं पढ़ते, अजान हो रही है हम बातें कर रहे हैं, हम अजान के वक्त में रेडियो टेलीविजन बंद नहीं करते, हमारे घरों में मस्जिद से अजान की आवाजें आ रही हैं और हमारे घरों में दुकानों में बुलंद आवाज से टेलीविजन लगा हुआ है, रक्स हो रहा है, गाना हो रहा है, डांस हो रहा है, गाने चल रहे हैं, आप बताइए अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? मुश्किलात से कैसे निकलोगे? एक औरत को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए बख्श दिया कि वो आटा गूंद रही थी, और आटा गूंदते हुए आमतौर पर औरतें जब आटा गूंद रही हो तो उनके सर से दुपट्टा हट जाता है, तो उसके सर से दुपट्टा थोड़ा सा नीचे उतर गया, इतने में उसके कान में अजान की आवाज मस्जिद से आई, उसने आटा गूंदना छोड़कर पहले अपना दुपट्टा ठीक किया, अपने सर को ढांपा कि मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, मैं नंगे सर अजान न सुनो, आटा छोड़ा, अपने सर को ढांपा, गैब से आवाज आई, तेरे इस अमल की वजह से हमने तुझे जन्नती बना दिया। वो औरत सिर्फ इस वजह से जन्नत में चली गई कि उसने अजान सुनकर अपने नंगे सर पर दुपट्टा डाला। आज हमारी मां बहन बेटी के सर से मुस्तकिल दुपट्टा उतर गया, आज उनका लिबास बराए नाम रह गया है। कभी हमने अपनी जिंदगी में आज से 30-40 साल पहले नहीं देखा था कि जलसों में औरतें और मर्द इकट्ठे हों। अब क्या हुआ? यह है नया पाकिस्तान, सोचो किधर जाते हो, यह है लोगों तुम किधर जा रहे हो, कौम किधर जा रही है, आंखें बंद करके किसी के पीछे चलना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। याद रखो, किसी को अपना लीडर बनाओ, किसी को अपना कायद बनाओ, खा मजहबी लीडर हो, खा सियासी लीडर हो, खा कोई मौलवी हो या सियासी रहनुमा हो, उसकी जिंदगी को पहले देखो, अगर उसकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हो तो उसको अपना लीडर और कायद बनाओ, उसको अपना पीर बनाओ, उसको अपना रहनुमा बनाओ, अगर उसकी जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं है कतान उसके पीछे मत चलो, वो खुद भी गुमराह होगा, तुम्हें भी गुमराह करेगा।
हम खुद तबाही की तरफ जा रहे हैं। क्या अल्लाह ने हमें अकल नहीं दी? हम ऐसे लोगों को पीर बनाते हैं जो शराब पीते हैं, जो रात को मुजरे कराते हैं, जो अपने डेरों पर डांस करवाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां नहीं है, आप हम उनको पीर मनाते हैं। हमारे हमारी जिंदगी कैसे ठीक होगी, हमारे हालात कैसे बदलेंगे? जब तक तकवा नहीं होगा मुश्किलात से नहीं निकलोगे, मुश्किलात में फंसते जाओगे। अकीदत की बुनियाद अकीदा होना चाहिए। लोग कहते हैं मुझे फलाने से मोहब्बत और अकीदत है, जरूर करें, मगर पहले अकीदा देखें क्या है। अकीदत की बुनियाद दौलत नहीं होना चाहिए, अकीदत की बुनियाद किसी की कोई बड़ी शख्सियत नहीं होना चाहिए, बल्कि अकीदत की बुनियाद अकीदा होना चाहिए। पहले देखो इसका नजरिया क्या है, इसका अकीदा क्या है। हमने कभी नहीं यह देखा था कि सियासी जलसों में औरतें और मर्द इकट्ठे बैठे हो, मजहबी जलसों में औरतें और मर्द इकट्ठे बैठे हो। उलमा का तो फतवा यह है कि ये फितरों का जमाना है, आज औरत नमाज भी घर के अंदर पढ़े, मस्जिद में आकर ना पढ़े, ताकि उसके मस्जिद में आने और जाना आज वो सूरत हाल नहीं रही जो हुजूर अली सलाम और खुलाफाए राशिदीन के जमाने में थी। आज औरत के लिए अफजल अपने घर में नमाज पढ़ना है, मस्जिद में आकर पढ़ना नहीं। वो इस्लाम जो ये कहता है और वो उलमा कि आज फितनों का जमाना है, आज नमाज भी औरत अपने घर में पढ़े, वो औरत नंगे सर होकर और अपने बदन पर वाजबी कपड़े से भी उतार नहीं पहनती और जलसों में आकर मर्दों के साथ बैठे। आज हम शादियां करें मर्द और औरत इकट्ठे हो, आज हम शादी हाल में औरतों और मर्दों के लिए अलग इंतजाम ना करें और समझे कि हमारे ऊपर अल्लाह की रहमत आ जाएगी, हमारे हालात बदल जाएंगे। याद रखो जब तक तुम्हारे अहमाल नहीं बदलेंगे अहवाल नहीं बदलेंगे। पहले अपने आप को बदलो फिर तुम्हारे हालात बदलेंगे। अब कहते हो जी बारिशें आ गई, गंदम पकने के करीब थी बारिशें होना शुरू हो गई, गंदम की फसल लेट हो गई, हमारी गंदम खराब हो गई, बारिशें आ गई। मेरे दोस्तों बारिश किसके हुक्म से बरसती है? अल्लाह के हुक्म से। तुमने अल्लाह से दोस्ती लगाई है? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने दोस्ती लगाई है। वो खेत में लेटे हुए हैं, सर के नीचे ईंट रखी हुई है, एक काफिर आता है, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करने के इरादे से, दुश्मन है हजरत उमर को कत्ल करने के इरादे से आ रहा है, करीब पहुंचता है तो देखता है हजरत उमर तो सो रहे हैं और फर्श पर मट्टी पर सो रहे हैं, सर के नीचे ईंट रखी हुई है, जंगल में सो रहे हैं, किसी कोई पंखा नहीं है, जमीन पर लेटे हुए हैं, मगर उनके इर्द गिर्द शेर पहरा दे रहा है। वो काफिर बेहोश होकर गिर पड़ता है, खौफ खाकर गिर पड़ता है, बेहोश हो जाता है। तो उमर उठते हैं तो उससे पूछते हैं हाँ बता भाई तू क्या करने यहां आया था? कहा ये तो बाद में बताऊंगा किस इरादे से आया था, पहले ये बताइए वो शेर जो इंसान का भूखा है, गोश्त का भूखा है, जो दरिंदा है, जो इंसान को कच्चा खा जाता है, ये तुम्हारा पहरेदार और चौकीदार कैसे बन गया? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अभी जवाब नहीं दिया था, गैब से आवाज आई उमर तो हमारे दीन का काम करता रहे, हमसे डरता रहे, तकवा पर चलता रहे, हम इसी तरह तेरी दुश्मनों से हिफाजत करते रहे। तकवा पैदा करो तो शेर तुम्हारा चौकीदार बन जाएगा, पहरेदार बन जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वमैन यत्तकिल्ला पर अमल किया, जंगलात से गुजर रहे हैं, शेर सामने आता है, सहाबी कहता है मैं अल्लाह के पैगंबर का गुलाम हूं, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला हूं, इतना कहता है तो शेर दुम हिलाता हुआ आगे आगे चलकर रास्ता बताने लग जाता है। ये बे वक्त की बेमौसमी बारिशें, ये काश्तकारी और जरात और जमीनों की पैदावार ना होना, फसलों का खराब हो जाना,
ये क्यों है? इसलिए कि हम अल्लाह से डरते नहीं, दिन रात झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, हमारे दिल में अजान का एहतराम नहीं है। कितने लोग होंगे जो पांच वक्त की नमाज पढ़ते हो जबकि पता कोई नहीं कि अगला सांस भी आना है कि नहीं आना, पता नहीं आज की रात बिस्तर पर गुजरनी है या कब्र में गुजरनी है। तो मेरे दोस्तों, मुश्किलात से हम निकल, अब मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इनफिरादी और इज्तिमाई तौर पर हैं। तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो। आज हम तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला हैं। जनाब नबी ये करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या जामे नबी और पैगंबर हमारा है, क्या अजीम नबी और पैगंबर है। मैं दो चार दिन पहले बुखारी शरीफ का मुताला करते हुए पढ़ रहा था, अपने दादाजी हजरत मौलाना खैर मोहम्मद सारे रहमतुल्लाह अली की बुखारी शरीफ की तकरीर और उनका सबक, उनका पढ़ाया हुआ सबक महफूज था, वो पढ़ रहा था जो हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अली ने मुरतब किया, जो अलखैरुस्सारी के नाम से शाय हुआ। उसके अंदर लिखा कि एक मरतबा अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अली हमारे दादाजी के पास आए। हजरत मौलाना खैर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अली जो मेरे जद्दे अमजद थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अली के अजल्ले खुलफा में से थे। हजरत शाहजी का और हमारे दादाजी का बहुत आपस में ताल्लुक था, अक्सर शाहजी दादाजी के पास आते और दादा जान उनके पास जाते। शाहजी के चार बेटे थे, चारों ने खैरुल मदारिस में पढ़ा और चारों को उन्होंने हमारे दादा जान के सुपुर्द किया। हजरत शाहजी ने आकर एक दिन दादाजी से कहा कि ये जो कुरान में आता है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसान की शक्ल में आए थे और कुरान में भी अल्लाह ने इसका जिक्र किया है और यह आया बशरन सबिया कुरान में आता है। वज़कुर फिल किताब मरियम इज़ इंतमदत मिन अहलिहा मकानन शर्क़िया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सबिया। हमने हजरत मरियम के पास अपने जिब्रील अलैहिस्सलाम, रूह से मुराद जिब्राइल भी है, हमने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो इंसानी शक्ल में आए। अक्सर फरिश्ता इंसानी शक्ल में आता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते थे अक्सर हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला की शक्ल में आते थे। एक सहाबी थे, बड़े खूबसूरत सहाबी थे, इनकी शक्ल में अक्सर जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर की खिदमत में आते थे। अब जब ये हजरत मरियम के पास आए, हजरत मरियम को कहा तुम्हें अल्लाह ताला बेटा देगा, मेरी तो शादी नहीं हुई, खामिदी नहीं है, बगैर बाप के कैसे औलाद। अल्लाह कादिर है, अल्लाह बिन बाप के पैदा करने पर कादिर है, उसने आदम अली सलाम को बगैर बाप और माँ के पैदा किया, तो वो आपको भी अल्लाह दे देगा और इंसानी शक्ल में आए। तो शादी ने कहा हमारे दादाजी से कि कुरान में यह आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास कामिल इंसान की शक्ल में आए, बशरन सविया। तो अब वो किसकी शक्ल, किस इंसान की शक्ल में आए थे ये तो कुरान में बयान नहीं हुआ, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आए हो, क्योंकि बशरन सविया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बनते हैं और कोई नहीं है। बशर कामिल, इंसान कामिल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हजरत मरियम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर की शक्ल में आए होंगे, ये मैं आपसे पूछता हूँ, ये मेरी बात सही है या गलत है? तो दादाजी ने कहा इसका कोई सबूत है नहीं, दलील कोई है नहीं, इसलिए मैं तस्दीक नहीं कर सकता और बाकी बात जरा दिल को लगती है, इसलिए मैं इनकार भी नहीं करता, ना तस्दीक करता हूँ ना तरदीद करता हूँ। इंसान कामिल जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं बात यह अर्ज कर रहा था कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कामिल और मुकम्मल नबी और पैगंबर हैं जिन्होंने हमारी रहनुमाई की है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जरा गौर से सुनो ये हदीस मुबारका, दिल पर लिखो, इस पर अमल करो, दीन समझकर अमल करने के लिए हम जमा हुए हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन कह दो। फरमाया सबसे बुरी सवारी इंसान की, ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बुरी सवारी इंसान की ये है कि वो ये कहे लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं, लोगों ने ये बात की है,
अब उसके पास कोई है नहीं कि कौन कह रहा है, उसका सबूत क्या है, उसकी दलील क्या है। तो ये कहकर के लोग यूं कहते हैं, ये बात कहकर जो आगे वो बात नकल कर रहा है वो झूठ कर रहा है, वो गलत कर रहा है, शरीयत के खिलाफ कर रहा है। और आज मैं और आप कितने इल्जाम लगाते हैं, कितनी तोहमतें लगाते हैं। हाँ, लोग पूछते हैं क्या सबूत है तुम्हारे पास, हम कहते हैं लोगों ने यूं कहा है, लोग ये कहते हैं, लोगों ने ये कहा है, ये नाजायज है, ये शरण हराम है। और इसी के अंदर है ये हमारा मोबाइल, क्या हमारे मोबाइल में कोई मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है और फेसबुक पर हम देखते हैं, हम बगैर तहकीक के उसको आगे नकल करते हैं और बचने के लिए कह देते हैं ये तो मेरे पास आया था मैंने आगे भेज दिया, ये तो मेरे पास आया था मैंने आगे भेज दिया, ये गुनाह है, ये हराम है, ये नाजायज है। इसलिए कि तुम यही कहोगे ना, लोगों ने भेजा था, लोगों ने ये कहा था, मैंने आगे भेज दिया, मेरी तरफ से ये बात नहीं है। तुमने आगे क्यों भेजा बगैर तहकीक के, ये नाजायज है, ये हराम है, ये गुनाह है। इसलिए मोबाइल पर आने वाली बात की जब तक तहकीक ना कर लो, फेसबुक और यूट्यूब पर जब तक आने वाले पैगाम की तहकीक ना कर लो, व्हाट्सएप पर आने वाले पैगाम की जब तक तहकीक ना कर लो, उसे आगे मत पहुंचाओ, मत फैलाओ। अपने अंदर अल्लाह का डर और तकवा पैदा करो। अभी रमजान गुजरा है, गुजरा है कि नहीं गुजरा, आने वाला रमजान अल्लाह हमें नसीब फरमाए। बताओ सुबह से शाम तक तुम्हें भूख और प्यास लगती थी, तुम रोजा तोड़ते थे, बोलो, पानी पीते थे, नहाते हुए भी पानी पीते, वुजू करते हुए पानी पीते थे, नहीं, पूरा रोजा करते थे। क्यों? तुम्हारे दिल में यह था कि कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। रोजे ने अल्लाह का डर पैदा किया था, इसलिए आदमी तन्हाई में भी रोजा नहीं तोड़ता था। उसको माँ बाप नहीं देख रहे, बीवी नहीं देख रही, बीवी को खामिद नहीं देख रहा, बहन भाई नहीं देख रहे, घर वाले नहीं देख रहे, मोहल्ले गांव देहात वाले चक वाले नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। सुबह से शाम तक रोजा पूरा करता, फ्रिज सामने है, फ्रूट पड़ा है, बोतलें पड़ी है, दूध पड़ा है, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, मगर रोजा पूरा करता था। क्यों? उसके दिल में यह था कोई नहीं देख रहा, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह का डर था जो रोजा नहीं तोड़ने देता था। वो डर क्यों निकल गया? नमाज क्यों नहीं पढ़ते? गुनाह क्यों कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? धोखा क्यों दे रहे हैं? अल्लाह का तकवा पैदा करो, और तकवा है गुनाह से बचने का, फिर अल्लाह तुम्हें मुश्किलात से निकाल देगा, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाला। और फिर अगला इनाम फरमाया, तुम तकवा पैदा करो, मैं वहां से तुम्हें रिज्क दूंगा, तुम्हारा ख्याल भी नहीं होगा, तुम्हारा गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह की कुदरत यही होती है, वो वहां से देता है, वहां से हिफाजत करता है जहां ख्याल नहीं। क्यों भाई? तुम्हारा ख्याल जाता है कि शेर हिफाजत करेगा, शेर चौकीदार बन जाएगा, अल्लाह उसी को हिफाजत। एक वाक्या याद आए, वो सुनाकर मैं खत्म करता हूं, हजरात का बयान होना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आपको वाक्या मालूम है, वाक्या में तफसील में नहीं जाता, उस जमाने में पैदा हुए जब फिरौन ने आर्डर किया था जो बनी इसराइल में बच्चा पैदा हो कत्ल कर दो, क्योंकि ख्वाब देखा था कि एक बच्चा पैदा होगा, बड़ा होकर मेरी कुर्सी और इक्तदार के लिए खतरा बनेगा, का कत्ल कर दो। कितने बच्चे उसने कत्ल कराए? बात कहते हैं 90,000 बच्चे उसने कत्ल करवाए, 90,000। और जो डर की वजह से औरतों के हमल जाए हो गए वो अलग अलग है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी फिर भी नहीं बचती, इख्तदार फिर भी नहीं बचता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, मां डर रही है कि फिरौन को पता चल गया वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मरवा देगा, उसकी पुलिस और फौज गश्त कर रही है, सीढ़ी फिर रही है, पता चल गया मार देगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, सुभान अल्लाह, بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني। हमने मूसा अली सलाम की वालदा के दिल में इल्हाम किया, यहाँ वही इल्हाम के माने में दिल में डाला, क्योंकि वही असल और हकीकी माना में नबियों पर आती है, ये इल्हाम है। तो फरमाया कि मैंने मूसा अली सलाम की वालदा के दिल में इल्हाम डाला कि तुम अपने इस बच्चे को एक संदूक में बंद करो और दरिया में डाल दो। अल्लाह, दरिया में डाल दूंगी, ये बचेगा या मर जाएगा? क्यों भी आप बताओ, किसी बच्चे को संदूक में बंद करके दरिया में डाल दो, वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा?
दरिया में ना डालो, संदूक में ही बंद कर दो, थोड़ी देर के बाद दम घुटेगा, मर जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और यहां तो यह है कि आज संदूक में बंद करो, दरिया में भी डाल दो, जब दरिया में डाल दिया पानी अंदर जाएगा, ये मर जाएगा। अल्लाह तूने बचाना है या मारना है? अल्लाह कहता है मैं फिर रब क्या हुआ कि जब मैं इसमें बचा करना दिखाऊं। डाल दो, डाल दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को कहा तू दरिया के किनारे चलती जा, देखती जा, देखती जा। वो जा रही है साथ साथ देखती जा रही है। आगे चलकर वो संदूक वहां रुकता है जहां फिरौन का महल है, वक्त के बादशाह फिरौन का महल है। वहां फिरौन के लोग बाहर फिर रहे थे, अहलकारों ने संदूक उठाया, खोला, देखा है खूबसूरत बच्चा है। वो ले गए घर में फिरौन के, फिरौन की बीवी ने देखा तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया है, उन्होंने देखकर कहा इतना प्यारा बच्चा। अपने खामिद को कहा इस बच्चे को ना मारना, इसको हम अपने घर में रख लेते हैं, हम इसकी परवरिश कर रहे हैं। तुझे ये खतरा है ना कि बच्चे इसलिए तू मरवा रहा है कि वो तेरी कुर्सी के लिए खतरा। जब हम इसको अपने घर में पालेंगे, इसकी परवरिश करेंगे, जब हम इसको खिलाएं पिलाएंगे, तो ये कौन सा हमारा दुश्मन बनेगा, ये हमारे लिए क्या खतरा बनेगा, इसलिए तू इसको ना मार, इसको घर में रख ले, कितना प्यारा बच्चा है। तो खामिद औरतों के कंट्रोल में होते हैं, बीवियों के कंट्रोल में होते हैं, तुम भी बीवियों के कंट्रोल में हो। वो था फिरौन लेकिन बीवी के कंट्रोल में था। उसने कहा ठीक घर में रख लिया, पाल रहा। अब देखो वो मूसा अली सलाम जिन्होंने बड़े होकर फिरौन को ललकारना है, उसके लिए चैलेंज बनना है, अल्लाह उन मूसा अली सलाम की कहीं और हिफाजत नहीं कर रहा, दुश्मन के घर में हिफाजत कर रहा। ये है मिन हैसु ला यहतसिब, वही रिज़्क दे रहा है। وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ। डर रही है माँ, अल्लाह ने कहा डर नहीं, गम ना कर, तू जाने दे इस बच्चे को दरिया में, मैं रब इस बच्चे को वापस लाऊंगा और तुम्हारे पास दोबारा लाऊंगा और इसके सर पर रिसालत का ताज सजाकर रसूल और नबी बनाकर तेरे पास लाऊंगा। अब वो बच्चे को उठा के ले आई, फिरौन ने कहा ठीक है हमने इसको अपने घर में रखते हैं। अब बच्चे हैं, दूध पिलाना है, मुख्तलिफ औरतों को बुलाया जा रहा है। मूसा अलैहि सलाम किसी औरत का दूध नहीं पीते, वो कोशिश करती है हर औरत, एक को बुलाया, दूसरी बुलाई, तीसरी बुलाई, चौथी बुलाई, पांचवी बुलाई, बहुत सारी औरतें बुलाई दूध पिलाओ, वो किसी मूसा अलैहि सलाम किसी औरत का दूध नहीं पीते। कुरान में आ रहा है वहर्रमना अलैहिल मराज़िया, हमने मना कर दिया नहीं पीना, नहीं ना। मूसा अली सलाम की बहन ये सारा मंजर देख रही थी, अब उसने राज भी रखना था, कहा कि अगर आप मुझे इजाजत दें मैं भी एक औरत को बुलाकर लाती हूं, हो सकता है ये उनका दूध पीने लग जाए। उनका बुला ला तो वो गई अपनी अम्मी को बुलाकर ले आई। अल्लाह अकबर, क्या रब है सुभान अल्लाह। इस अल्लाह से दोस्ती लगाओ, इस अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह वही है, हम वो नहीं रहे। ले आई मूसा अली सलाम की वालदा आ गई, अब उनको नहीं पता ये मूसा अली सलाम की वालदा है। अब मूसा अली सलाम की वालदा ने जब मूसा अली सलाम को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाने के लिए उनको अपने करीब किया, फौरन मूसा अली सलाम दूध पीने लग गए। وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई ना करूं ऐसी औरत की जो इसकी जबान इसको दूध पिलाए। ये कुरान का वाक्य बयान कर रहा हूं। मूसा अली सलाम की वालदा दूध पिला रही, उनका दूध पी रहे हैं, उनको किसी को पता नहीं है कि ये इनकी वालदा है। और फिर वही बड़े होकर फिरौन को ललकारते हैं। मैंने ये वाक्य सिर्फ इसलिए आपको बताया कि अल्लाह की ये कुदरत और ताकत है। इस अल्लाह से दोस्ती लगाओ, इस अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करो, तकवा का मुजाहरा करो, अल्लाह मुश्किलात से भी निकाल देगा और रिस्क भी वहां से देगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। किस तरह अल्लाह तुम्हारी जमीनों की हिफाजत करेगा, तुम्हारे बागात की हिफाजत करेगा,
किस तरह अल्लाह तुम्हारी जान और इज्जत की हिफाजत करेगा। अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको तकवा की जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक दे, गुनाह से हम बचें। इन मदरसों की कदर करो, ये मदरसे हैं जिनकी बरकत से ये तुम्हें कुरान और हदीस मिल रहा है। और मैं समझता हूँ, और वक्त नहीं कि मैं इस पर भी दलायल दे सकता था हकायक की दुनिया में, कि आज पाकिस्तान पे जो मुश्किल हालात आए हुए हैं और सब पर आए हुए हैं, जो असल हैं उन पर भी, जो सामने उन पर भी, शायद इस वजह से तो नहीं जायजा लो कि तुमने मदरसों को तंग किया, तुमने उलामा को तंग किया, दीन वालों को तंग कर रहे हो, कुरान वालों को तंग कर रहे हो। हर हकूमत ने इनको तंग किया है, इनके बैंक अकाउंट बंद, इनकी रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी, इनको बदनाम करना। और फरमाया गया मन आदा ली वलीयन फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब, दो काम छोड़ो इंशाल्लाह पाकिस्तान पर रहमतें आएंगी, एक ये कि सूद की लानत से निकलो और दूसरा ये कि इन मदरसों को तंग करना, कुरान वालों को तंग करना छोड़ो, उलमा की कदर करो, कुरान के हाफिजों कारियों की कदर करो। अल्लाह ताला तुम्हारे हालात बदलेंगे, और आपस के इख्तलाफ को दुश्मनी ना बनाओ, मुखालफत ना बनाओ, और इस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम नाफिज करो। जिस नाम पर यह मुल्क बना था तब इस मुल्क में रहमत और बरकतें आएंगी। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।